बिहार के अररिया में मिड डे मील में फिर बच्चों के लिए बना आफत। मिड डे मील खाकर 80 बच्चे बीमार। भरगामा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मिड डे मील में मिली छिपकली। खाना खाने पर बच्चों को हुई थी उल्टियों की शिकायत। दाल में गिरगिट पड़ गया था तो तुम लोग देखा नहीं? फूड पॉइजनिंग का केस हो गया था और उसमें करीब 70-72 लोग बच्चे बीमार पड़ गए। बिहार के झंझापुर में मिड डे मील खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे बीमार। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम अरविंद केजरीवाल को पीएमओ से नहीं मिला प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त। 10 दिन पहले मांगा था समय। पीएमओ ने सीएम केजरीवाल को दिया पीएम मोदी की व्यवस्था का हवाला। कहा अभी कुछ दिनों तक पीएम के पास वक्त नहीं। पीएमओ ने सीएम केजरीवाल को दिया सुझाव। वित्त मंत्री अरुण जेटली या फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिल सकते हैं केजरीवाल। पीएम से मिलकर केजरीवाल एलजी एसीबी दिल्ली पुलिस से जुड़े विवादों पर करना चाहते थे चर्चा। दिल्ली में टैक्स फ्री बजट पेश करने के 3 दिन के अंदर केजरीवाल सरकार की नई चाल। पेट्रोल डीजल समेत 14 चीजों पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से वैट बढ़ाने के प्रस्ताव का बीजेपी और कांग्रेस ने किया विरोध। कहा दिल्ली वालों को झेलनी होगी मुसीबत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर महीने चुकाते हैं 55 से 65 हजार रुपए बिजली बिल। आरटीआई से हुआ खुलासा। के जो बिजली के बिल हैं वो महीने के तकरीबन 55 हजार रुपए महीने का बिजली के बिल आ रहे हैं इनके घर के। जनता की गाड़ी कमाई को किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, ये इसका एक जीता जाता उदाहरण है। कांग्रेस ने वसुंधरा पे लगे आरोपों को लेकर बीजेपी को दी चुनौती। पीएल पुनिया ने कहा जयराम रमेश ने अगर वसुंधरा पर गलत आरोप लगाए हैं तो बीजेपी जयराम रमेश पर कसे करे केस। जो भी जयराम रमेश जी ने कल कहा था बहुत जिम्मेवारी के साथ में कहा था, पूरे तथ्यों की जानकारी करने के बाद में कहा था। अगर उनको कोई शक शंका है तो मुकदमा दायर कर दें। बीजेपी ने फिर उठाया हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे का मुद्दा। कहा जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करे कांग्रेस। कानून के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। चिक्की घोटाले में फंसी महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे बीती रात लंदन से मुंबई लौटी। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया जय जयकार। पंकजा ने कहा मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। पंकजा मुंडे ने कहा आरोपों को गलत साबित करूंगी, अपनी सरकार है पप्पू सरकार नहीं। डिग्री विवाद में घिरे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर 191 करोड़ के ठेके में अनियमितताओं का आरोप। आरोपों के मुताबिक ठेका देने में बढ़ती अनियमितता। महाराष्ट्र के वित्त विभाग ने तावड़े के दिए ठेके पर उठाए सवाल। पहले से मंजूरी नहीं लेने का दिया हवाला, साथ ही फंड नहीं होने की भी बात कही। तावड़े ने कहा कोई अनियमितता नहीं बरती गई। वित्त विभाग की आपत्ति के बाद फौरन रोक दिया गया था ठेका। तावड़े पर लगे नए आरोपों पर बोले महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार। कहा जब ठेका हुआ ही नहीं तो क्यों उठ रहे हैं सवाल। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि जो विषय आगे गया ही नहीं, जो विषय सही समय पे वहीं पे पुराने समय से चलते आने के बाद भी अगर वहां पे दोष या त्रुटियां दिखाने के बाद वो विषय खत्म होने के बाद ये प्रश्न उपस्थित कहां होता है।
शिमला में बन रहे प्रियंका गांधी के घर को लेकर सख्त हुआ हिमाचल का सूचना आयोग। सरकार को दिया आरटीआई आवेदकों को जानकारी देने का आदेश। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान, प्रियंका मामले पर राज्य सरकार की तरफ से नहीं बरती गई कोई अनियमितता। पांच राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज। आर के नगर सीट पर जयललिता को बढ़त, जयललिता के घर पर एआईएडीएम के समर्थकों का जश्न अभी से शुरू। केरल की अरुविक्कारा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में यूडीएफ ने मारी बाजी, केएस सबरीनाथन 10,128 मतों से विजयी घोषित। टीडीपी एमएलए रेवीनाथ रेड्डी को हैदराबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, कैश फॉर वोट केस में हुई थी गिरफ्तारी। कोलकाता में स्कॉटिश कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों ने ड्रेस कोड लागू करने का फैसले का किया था विरोध। स्कॉटिश कॉलेज ने लड़कियों की बाली टॉप्स, स्लोगन वाली टी शर्ट और मिनी स्कर्ट पर लगाया प्रतिबंध, लड़कों के जीन्स पहनने पर भी पाबंदी। फौज की कोशिशों के बावजूद भारत म्यांमार सरहद पर जारी है उग्रवादियों की ट्रेनिंग, आज तक के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। AK-47 समेत कई तरह के आधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादी पहाड़ी इलाकों में हिंसा फैलाने की कोशिश। म्यांमार की सीमा के अंदर पिछले कई सालों से चल रहे हैं आतंकी ट्रेनिंग कैंप, मणिपुर, नागालैंड और दूसरे राज्यों के उग्रवादियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। यूपी के बागपत में एक साइबर कैफे में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप, कैफे का संचालक गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने कैफे गई थी पीड़ित, कैफे के संचालक ने अपने साथी के साथ मिलकर किया गैंगरेप। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकी गई, खराब मौसम के चलते रुकी यात्रा। जोशीमठ, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ में छाई धुंध, दृश्यता में भारी कमी, कई जगहों पर जमकर हुई बारिश। कश्मीर में 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके, रात 3:40 पर झटके महसूस हुए, पाकिस्तान में था भूकंप का केंद्र। जवाब दौरे पर टीम के साथ नहीं रहेंगे टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री, बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते दौरे के लिए उपलब्ध नहीं। सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा और ब्रावो को बीसीसीआई से क्लीन चिट, बोर्ड ने कहा 2 साल पुराने मामले की जांच कर चुकी है आईसीसी, जांच में कोई बात सामने आती तो वो हमसे बात करते। क्रिकेट में उठे विवाद पर बोले अभिनेता शाहरुख खान, कहा क्रिकेट देश का सबसे पसंदीदा खेल, विवादों से दूर रहे तो बेहतर। Cricket being the most popular, so cricket being the most popular sport, I just hope all this controversy and things should not take away the focus from the goodness of cricket. अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार और धोनी दुनिया के टॉप पेड एंटरटेनर में शुमार, फोर्ब्स की सूची में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख का नाम नहीं। सबसे ज्यादा कमाने वाले टॉप 100 सितारों में सलमान और अमिताभ बच्चन 71वें नंबर पर, $33 मिलियन है कमाई, लिस्ट में अक्षय 76 और धोनी 82वें नंबर पर। सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाले की सूची में अमेरिकन बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर टॉप पर, $300 मिलियन में है मेवेदर की कमाई।